ऐसे लैंड जिहाद के मुद्दे उठाए, ये पूरा आरोप है पीएम मोदी का भी और तमाम सारे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्या कहना है आपने? कांग्रेस को ये लग चुका है कि जो आम जनमानस है उसने उसको नकार दिया है। लगभग 15 से 16 लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है। कि जातिवाद में और संप्रदायवाद में बांटना और मुसलमानों को ये कहना कि भाई वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में करो, तो शुरू से ही करती आई है कांग्रेस। आधार कार्ड बना रहे, कांग्रेस की सरकार देश के लिए बहुत घातक है, ये कैंसर से बड़ी बीमारी है। कांग्रेस की सरकार देश के लिए बहुत घातक है, ये कैंसर से बड़ी बीमारी है। कांग्रेस सबसे ज्यादा जमीनों पे कब्जा अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने कर रखा है। नमस्कार दर्शकों, संवाद पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहन मुद्दे पर जो महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और मुद्दा है लैंड जिहाद और वोट जिहाद का। महाराष्ट्र बीजेपी इस पर बहुत तरीके से काम कर रही है और इस दौरान 2024 में मुद्दा क्यों गर्मा रहा है आपको बताएंगे विस्तार से, इसलिए देखिए आखिर तक पूरा वीडियो। तो महाराष्ट्र बीजेपी ने वोट जिहाद का इशू उठाया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 48 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 14 ऐसी हैं जहां पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ने बीजेपी कैंडिडेट्स को हराने के लिए एक मास वोटिंग किया। जी हां, चलिए आपको सुनाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे इसका खुलासा किया है और कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले आप ये सुनिए, फिर वीडियो में आगे आपको और खुलासे भी बताएंगे। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने एक भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी एससी ओबीसी सब सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक है। तो सुना आपने क्या चल रहा है हमारे देश में, कितने तरीके के षड्यंत्र चले रहे हैं और अब इसका ताजा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आपको पूरे सबूत के साथ पेश कर रहे हैं ये रिपोर्ट जिसमें लव जिहाद और लैंड जिहाद का एग्जाम्पल ये है। हैदराबाद के हितेश अग्रवाल हैं जो 45 साल से जिस मकान में रह रहे हैं उस पते पर 6 मुसलमान वोटर बन गए। इनके ही परिवारजनों का नाम काटकर अब उतने हिंदू वोट कम हुए जितने मुस्लिम वोट बढ़ गए। वक्फ के दावे के बाद हितेश ने साबित करना होगा कि प्रॉपर्टी उनकी है और ये साबित करने की जरूरत वक्फ को नहीं है, हितेश को है। देखिए पूरा मामला इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हितेश अग्रवाल है, मैं हैदराबाद का निवासी हूँ। न्यू मलकपेट प्रोफेसर कॉलोनी में मेरा घर है और इस घर के अंदर हम लोग पिछले 45 ईयर से रह रहे हैं। मेरा घर का हाउस नंबर है 16-2-705/1/7। इस घर के अंदर हमारी ज्वाइंट फैमिली रहती थी और हमारी पूरी फैमिली के अराउंड 70 मेंबर्स के आसपास जो है वोटर्स हैं, उनमें से लगभग 15 से 16 लोगों के नाम जो है वोटर्स लिस्ट के अंदर नहीं है। और उसकी जगह बहुत बड़ी स्टनिंग चीज हमको देखने को यहाँ ये मिलती है कि हमारा वोटिंग पोलिंग बूथ नंबर 70 है हमारी वोटिंग। इसके अंदर सबसे बड़ी शॉकिंग चीज हमारे लिए ये है, हम लोग जब पिछले 45 ईयर से इस घर में रह रहे हैं तो इस घर में किसी और का रहने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और ऐसे में इस लिस्ट के अंदर दिखाया जाता है, लिस्ट में सीरियल नंबर 43, 41, 44, 39, 42, 45, इनके अंदर जो नाम है ये लिस्ट आप देख सकते हैं,
असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर एंड नेम 58 मलकपेट है, सेक्शन नेम नंबर प्रोफेसर कॉलोनी नियर बचपन कॉलोनी करके लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 39 के अंदर मुकरम हुसैन हैदर अली, फादर नेम हैदर अली, हाउस नंबर मेरे घर का दिया है 16-2-705/1/7, एज 30। द 45 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो इस एज नंबर एज 30 का बंदा यहाँ कैसे पहुंच गया, ये बोकस वोट है ये। उसके अलावा नेक्स्ट और भी आपको पांच नाम मैं दिखाता हूँ। नेम है नासिम अख्तर, फादर का नेम है मोहम्मद कलीम, हाउस नंबर 16-2-705/1/7, एज 28, ये बोकस वोट है ये। मोहम्मद तबरेज आलम, नेम फादर नेम मोहम्मद अतीक अहमद, हाउस नंबर 16-2-705/1/7, एज 28। मोहम्मद खालिद गनी मोहम्मद और फादर का नेम है अब्दुल गनी, इसके अंदर हाउस नंबर है 16-2-705/1/7, एज 28। वैसे मोहम्मद जावेद एज 28 सेम हाउस नंबर है, मोहम्मद गुलाम कासिर करके है एज 27। ये एज के जब हम लोग 45 ईयर से इस घर के अंदर हम लोग रह रहे हैं, तो इसके अंदर ये लोग पता नहीं, जब इस घर के अंदर हम लोग पिछले 45 ईयर से रह रहे हैं, तो ये छह लोग कहां से इस घर के एड्रेस के ऊपर इनका वोटर का जो है लिस्ट में नाम आया है, और हमारे पास में जो जेन्यून लोग हैं उन लोगों का नाम कटा हुआ है, ये यहां पर कंप्लीट बोगस वोटिंग हो रही है। ये तो सिर्फ छह लोग हैं जिनका नाम हमारे एड्रेस है इसीलिए पकड़ में आया है, और पता नहीं ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन लोगों का यहां पर उस लिस्ट में नाम ही नहीं है, और जिन लोगों का गलत जो बोगस वोट है ऐसे लोगों का नाम लिस्ट पे लिखा हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसा जो बोगस वोटिंग हो रहा है इस 4S29 तेलंगाना नेम एंड रिजर्वेशन वगैरह सब दिया है 58 मलकपेट जनरल पार्ट नंबर 70, हमारा वो बूथ नंबर है 70। एक सेकंड, मैं अभी आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस कंप्लेंट को एस्केलेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो देना चाहूंगा। रिवीजन डिटेल्स है रिवीजन 2024, क्वालिफाइंग डेट है 1 अप्रैल 2024, टाइप ऑफ रिजल्ट रिवीजन स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ 2024, डेट ऑफ पब्लिकेशन 25 अप्रैल 2024, पार्ट ऑफ द पोलिंग एरिया प्रोफेसर कॉलोनी नियर बचपन कॉलोनी नियर वीपी शर्मा सेंटर। पोलिंग स्टेशन की डिटेल्स दी गई है, नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन इज 70 आंध्रा कॉलोनी, एड्रेस ऑफ पोलिंग स्टेशन। देखा आपने, और तो और इस वोट जिहाद ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। जी हाँ, आप देखिए ये सबूत आने वाले इस वीडियो में। बनगा उनका पर्ची बाद में काम में होता है, ये पर्ची में उसको आधार कार्ड बना रहे हैं बेटे, कितने भेजा तुम्हें यहाँ, कितने भेजा आपको यहाँ? कितने भेजा है आप? वोट डालने कितने भेजा आपको? पर्ची आई तो आ गए। अच्छा, आपका नाम क्या है? फरीन। पर्ची का वोट डालने, वोट डालने किसका आई हो? फरीन। फरीन। और आपका नाम क्या है? फरीन। नाम है फरीन का, वोट डालना आई हो? 8th क्लास। ये फोटो आपका ही है? अच्छा, 18 साल की उम्र, 8वीं क्लास में तो 18 साल होते हैं, वोट कैसे? 12 साल। ये फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी बनवाया है, बंद करो पोलिंग पहले। तो देखा आपने इन वीडियोस के जरिए जो हमने खुलासे किए हैं, एक एग्जांपल आपको बताते हैं धूले का। यहाँ बीजेपी कैंडिडेट ने 1 लाख से ज्यादा वोट से लीड लिया था, फिर भी वो सिर्फ 4000 वोट से जीत नहीं पाए। क्या है इसके पीछे का सच, ये पता लगानी बात है, सोचने वाली बात है। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। तो दूल्हे में कुछ वोटिंग पैटर्न्स देखे गए थे। चलिए दूल्हे के रूरल एरिया की बात करते हैं। तो INC को मिले 76,266 वोट्स, बीजेपी को मिले 1,40,505 वोट्स, मालेगांव सेंट्रल में INC को मिले 1,98,869 वोट्स और बीजेपी को सिर्फ 4,542 वोट्स। ये फिगर्स कह रहे हैं कि मालेगांव सेंट्रल जहां 78% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां वोटिंग पैटर्न काफी ज्यादा अलग है। फडणवीस का कहना है कि इसीलिए मुस्लिम्स बड़े ही नंबर्स में वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इससे हिंदुत्व फोर्सेस को हराया जा सकता है। तो ये तमाम तरह का जो षड्यंत्र है वो हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि अब जागने की जरूरत आ गई है स्पेशली हिंदुओं के। यहां पर एक बात और जरूरी है ध्यान देने वाली कि फडणवीस का ये भी कहना है कि हिंदुओं को अब जागना ही पड़ेगा, हिंदुइज्म को बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए, जिसमें आप विश्वास करते हैं उसको बचाने के लिए, उनका कहना है। लेकिन अगर लोग
एंटी हिंदू लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हमें हिंदुत्व को जागरूक करना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर सोचने का विषय है। दूल्हे के अलावा अगर मुंबई नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर भी, जहां बीजेपी कैंडिडेट मिहिर कोठेचा को वोट जिहाद का शिकार होना पड़ा था, ये साफ साफ आंकड़ों की तरह से हमने आपको बताने की कोशिश की है। वहां उनकी लीड मनखुर्द शिवाजी नगर एरिया में 58,110 वोट की थी, लेकिन वहां भी उन्हें 29,861 वोट से हार का सामना करना पड़ा, जो साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से ये वोट जिहाद और लैंड जिहाद महाराष्ट्र में पैर पसा रहा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया, जैसे कि उज्जल निकम जो लीड ले रहे थे, उन्हें मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में वोटिंग की वजह, अगर इसकी चर्चा की गई तो उसकी वजह से उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। चलिए अब आपको सुनाते हैं, आप खुद सुनिए महाराष्ट्र के लोगों की जुबानी कि ये मामला कितना संगीन है और इस पर आम लोग क्या सोच रहे हैं। सर, भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, उस काम को काउंटर करने के लिए अब कांग्रेस ने वोट जिहाद और ऐसे लैंड जिहाद के मुद्दे उठाए, ये पूरा आरोप है पीएम मोदी का भी और तमाम सारे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्या कहना है आपने? देखिए, बिल्कुल ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस को ये लग चुका है कि जो आम जनमानस है उसने उसको नकार दिया है और उसका उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो वोट बैंक है वो केवल जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के माध्यम से आ सकता है और जातियों को आपस में लड़ाने से आ सकता है, ये कांग्रेस को पता चल चुका है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हैं, इनमें जो शिवसेना का और शरद पवार का जो एनसीपी गुट है और जो कांग्रेस है उनका जो अलायंस है, उनमें ज़्यादा जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई हो रही है कि जो जो सीट मुस्लिम बाहुल्य हैं, जो जो सीट जहाँ पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा है वो सीट हम लेंगे, ये आपस में वो लड़ रहे हैं। क्यों? चूंकि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो वोट जिहाद की और जो देश को बांट करके और जो अल्पसंख्यकों को डरा करके कि भाई उनके वोट कैसे लिए जा सकते हैं, जो एक नीति उन्होंने अपनाई थी उसमें उनको लगता है कि हम उन विधानसभा में ही कामयाब हो सकते हैं, उसके कारण से वो ऐसा कर रहे हैं और आज उनमें जो लड़ाई चल रही है वो यही है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने एक और बात साफ तौर पर कही है कि एजुकेटेड मुस्लिम फैमिलीज के लोग ये बात फैला रहे हैं आप कि वोट जिहाद करो, ये नहीं कि मदरसे से निकले हुए एजुकेटेड लोग भी ये बात कर रहे हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर्स के द्वारा ये बात की जा रही है, तो क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति की हदें पार हो चुकी है? जी बिल्कुल सही है, कांग्रेस का तो शुरू से ही रहा है कि जातिवाद में और संप्रदायवाद में बांटना और मुसलमानों को ये कहना कि भाई वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में करो, तो शुरू से ही करती आई है कांग्रेस। तो इसी के साथ लैंड जिहाद का भी एक मुद्दा जो है वो बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से ज़मीनें जो हैं वो एक तरफ कर दी जाए, इससे किस तरह का तुष्टिकरण होगा? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए है और ये वक्फ कानून में संशोधन का जो बिल आया अभी जेपीसी में गया है, मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से देश में रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जा अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने कर रखा है और वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वो चेक नहीं करते हैं, कहीं पर भी अपना बोर्ड लगा देते हैं और बोर्ड लगा करके उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसे जितने हाईवेज हैं, देश के मेन हाईवेज हैं, एयरफोर्स स्टेशन हैं, जो सेना के स्टेशन हैं, उनके पास में वक्फ बोर्ड ने वहाँ पर किसी मजार को बना करके, किसी कब्रिस्तान को बना करके वहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा है। और मैं माननीय मोदी जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है जो जेपीसी में अटका पड़ा है, कहीं ना कहीं सरकार ने दबाव में आकर के उसको वहाँ पे जो अटका दिया, मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से कि किसी भी दबाव में नहीं आकर से तत्काल प्रभाव से जो वक्फ बोर्ड का बिल लागू करके, वक्फ बोर्ड ने जो ये एक लैंड जिहाद करके देश में ज़मीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने का एक षड्यंत्र चला रखा है, उसको जो वो पर्दाफाश होना चाहिए और जो ज़मीनों के असली मालिक हैं उनको वो ज़मीनें मिलनी चाहिए, वो ज़मीनें देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों को, सेना के हित में और रेलवे के हित में उनको मिलनी चाहिए, ये निश्चित रूप से होना चाहिए, किसी प्रकार के दबाव में मोदी जी को नहीं आना चाहिए। लैंड जिहाद और वोट जिहाद करके अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कितना घातक होगा? कांग्रेस की सरकार देश के लिए बहुत घातक है, ये कैंसर से बड़ी बीमारी है कांग्रेस, जो कि धीरे धीरे इस देश के सनातन को, देश के भाईचारे को और देश में जो अब एक पिछले मोदी जी की तीन बार की सरकार से एक भाईचारा बढ़ा है, एक प्रेम भाव बढ़ा है, जातियों में वैमनस्यता बंद हुई है, उसके लिए कांग्रेस का आना खतरा साबित होगा। तो यहाँ जब तमाम सारे लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से
ये वोट जिहाद के जरिए और लैंड जिहाद के जरिए जहर फैलता जा रहा है वो महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। तो ये है पूरा मामला। चलिए हम सब मिलकर वोट जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ एक स्टैंड लेते हैं और जनता को जागरूक करने का ये अभियान बीजेपी ने चलाया है, जिसमें आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, ये रिपोर्ट देखकर चौंकाने वाले जो खुलासे इसमें हुए हैं उसको देखकर वो भी जागरूक हो और अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, और ऐसे और वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।